हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी। और मेरा नाम है अमित। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे साइंस शेयर करना चाहता हूँ, सिम्टम्स शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर भी कोई ना कोई विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई है। और अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम देखने को मिलता है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारा इतना डाइट अच्छी नहीं होती, हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो गया है, तो काफ़ी लोगों में विटामिन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो इन सिम्टम्स से आप वो ईजिली पहचान सकते हैं। और एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पर हम साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी, आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पे हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि विटामिन की डेफिशिएंसी होना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि हम इतना अनहेल्दी फूड खाते हैं, फास्ट फूड इतना ज़्यादा खाते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट बिल्कुल कम होते हैं, तो हमारे अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन हो गया है। तो आज हम ऐसे ही कुछ सिम्टम्स की बात करेंगे, सबसे जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो एक एक करके मैं आपको वो सारे सिम्टम्स बताता हूँ। जो सबसे पहला सिम्टम है कि ब्रिटल हेयर होना है, ब्रिटल नेल्स होना, वो बायोटीन B7 जो विटामिन होता है उसकी कमी से होता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे बायोटीन डेफिशिएंसी की वजह से आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि क्रॉनिक फटीग, मसल पेन, क्रैम्प्स, टिंगलिंग इन द हैंड्स एंड फीट। ये सभी सिम्टम्स जब बायोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तब आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे बायोटीन की डेफिशिएंसी बहुत कम केसेस में होती है, लेकिन जब भी आपको होती है तो आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अगला जो सिम्टम है वो है माउथ में अल्सर हो जाना या क्रैक्स आ जाना माउथ के जो कॉर्नर में। ये होता है जब हमारे अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है या फिर बी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6। इन सभी की जब डेफिशिएंसी होती है तो हमें माउथ अल्सर हो सकते हैं या क्रैक्स आ जाते हैं कॉर्नर के माउथ में, तो आपको ये भी देखना होगा। अगला जो सिम्टम है वो है ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स तब होता है जब हमारे अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके अलावा विटामिन सी की डेफिशिएंसी से और भी काफ़ी सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है या आपको टूथ लॉस या स्कर्वी हो सकता है। अगला जो सिम्टम है वो है आपकी पुअर नाइट विजन होना, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। वाइट ग्रोथ आ जाना आँखों पर, वो होता है जब हमारे अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके अलावा जो अगला सिम्टम्स आपको, अगर आपको स्केली पैचेस हो जाते हैं या फिर आपको डैंड्रफ हो जाता है, तो वो होता है जब हमारे अंदर जिंक, नायसिन, रिबोफ्लेविन, इनकी सबकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। तो आपको ऐसे फूड आइटम खाने हैं जिनके अंदर ये सभी विटामिन हो। अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो हेयर लॉस के काफ़ी सारे विटामिन मिनरल्स का रोल होता है हेयर लॉस में, जैसे कि अगर आपको आयरन, जिंक, आपको विटामिन B3, विटामिन B7, साथ में आपको लाइनोलिक एसिड, अल्फा लाइनोलिक एसिड, ये एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, इनमें से किसी भी विटामिन या मिनरल की कमी होती है तो आपको हेयर लॉस हो सकता है। तो आपको ऐसे फूड आइटम ज़रूर खाने हैं जिसके अंदर आपको ये सभी विटामिन और मिनरल्स मिले। अगला, अगर आपकी स्किन पे रेड या वाइट बम्प्स हो जाते हैं तो भी आपको इसका मतलब है कि आपके अंदर विटामिन ए या विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से आपके स्किन पे ऐसे रेड और वाइट बम्प्स हो गए हैं। और अगर आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम RLS हो गया है, जिसके अंदर आपको अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है लेग्स के अंदर, तो उसका मतलब होता है कि आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अगर आपको विटामिन B/D की कमी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उससे आपको मसल पेन हो सकता है या फिर आपको स्लीप इश्यूज हो गए हैं, आपको हेयर लॉस हो गया है, आपके ज़्यादा मूड चेंजेस रहते हैं या फिर आपको जो वोंड्स होते हैं, आपके चोट लग जाती है, वो ज़्यादा आसानी से हील नहीं होती है, तो ये सब विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और अगर आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो आपको बैलेंसिंग करने में डिफिकल्टी आती है या फिर आपको नर्व पेन रहता है या फिर आपको मसल पेन रहता है, तो ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और अगर आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो आपको क्लोटिंग इश्यूज रहते हैं, फ्रीक्वेंट आपको ब्रूजिंग होती रहती है या फिर आपके स्टूल में आपको ब्लड भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको सभी
कॉमन सिम्टम्स बताए हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपके शरीर में किसी भी विटामिन या मिनरल की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसी डाइट लें जिसमें आपको कोई भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी ना हो, आपको कभी भी डेफिशिएंसी ना हो। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लें जिससे आपको सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिलते रहें, क्योंकि हर विटामिन और मिनरल्स का हमारे शरीर में कुछ रोल होता है, हमारे शरीर के लिए कुछ फ़ायदे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो डाइट हो वो प्रॉपर बैलेंस्ड हो, जिसके अंदर अप्रोप्रिएट अमाउंट में सभी विटामिन्स और मिनरल्स हो, ताकि आपको ऐसा कोई भी सिम्टम्स देखने को ना मिले और एक आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कॉन्टेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पर नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी आप फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।